إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله आज 18 अक्टूबर 2020 को कुरान क्लास नंबर 50 में 50 नंबर में हम इन शाह तूर आल इमरान की आयत नंबर 77 से ऑनवर्ड स्टार्ट लेंगे आऊदबिल्लिन शैतवान रजीम बिस्मिल्लाम व ना हिम समन कौली बेशक वो लोग जो के खरीदते हैं अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों के एवज़ चंद टके थोड़ी सी माल की मोहब्बत और उसकी लालच के अंदर वो अल्लाह से कह किया हुआ अहद और अल्लाह से खाई हुई कस्में कि हम तेरे दीन के ताबे फरमान रहेंगे उसको तोड़ देते हैं उला इकलाम फिल ये वो लोग हैं जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है वला कल हमला और ना क्यामत के दिन अल्लाह उनसे कलाम करेगा यानी यह गुस्से का इजहार है वला यउ मलमह और ना ही उनकी तरफ देखेगा क्या मत के दिन वला वकी हिम ना उन्हें पाक करेगा अलीम और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है मिन ना मिन नांदार आमीन अब ये स्पेसिफिकली अहले किताब के उल्मा के बारे में डिस्कशन हो रही है क्योंकि पीछे कॉन्टेक्सट वही चल रहा है कि यहूद अपने आप को अहले किताब कहते थे और अपने मुखालफी को कहते थे ये उम्मी हैं अनपढ़ हैं जाहिल हैं और जब पैगम्बर आखर जमा स आ गए जिनकी प्रोफिस उनकी किताबों में मौजूद थी और इस पर वह मुशरकिन अरब को धोंस लगाया करते थे कि अभी तो तुम हमें मारते हो ना जब आखिरी पैगम्बर आएँगे हम उनके साथ मिल के कताल करेंगे और रोमन और पर्शियन अम्पायर को भी घिरा देंगे अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इन्होंने जिद और हटदर्मी की वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया और जिन मुखालफिन को यह ताने देते थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया यानी औस और खजरज ने तो अब अल्लाह का गुस्सा इन पर बहुत है कि यह तो अहल इल्म थे ये तो किताबों के मानने वाले थे और इनको सब कुछ पता था कि यह कुछ लिखा हुआ है तो मैं यही बात करता हूं कि जो है ना उलमा का तबका इतना अजीब व गरीब है कि वक्त का पैगंबर भी आ जाए ना तो ये उसके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं ये यहूद थे ना खड़े हुए आम लोगों ने बात समझ लीमा यहूद ने कबूल करने से इनकार कर दिया तो इसलिए फिर अल्लाह का गुस्सा भी देखें कितना डिटेल्ड है अल्लाह तलाफ अर मार है कि जो लोग अल्लाह से किया हुआ अहद अहद क्या था वह आगे अहद आ जाएगा कि तमाम नबियों से यहद एह लिया गया था कि तुम्हारी मौजूदगी में अगर कोई और पैगंबर आ जाए तो तुमने उस पर ईमान लेके आना ये पैगंबरों से अहद लिया गया था और पैगंबरों के मानने वालों का भी काम यही था कि जब नबी जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो वो अपना अहद जो उनकी किताबों में लिखा था कि तुमने उन पर ईमान लाना है वो पूरा करते लेकिन सिर्फ दुनियावी मसंद की खातिर दुनियावी लालच में अपनी पोज छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो गई ज़ाहिर है नबी इलास्म तो उनके बच्चों की माने थे सत्तर अस्सी अस्सी साल के बाबे जो बैठे हुए थे यहूदियों के किलों में उनके लिए नबी इस्लाम तो बच्चों के माने थे वो कहते थे हम ये कल के नौजवान की बात क्यों माने बात कबूल नहीं करते थे इसीलिए सूरत नाम में आया ना कि ये इनको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को नबी इस्लाम को वो इस तरह पहचानते थे लेकिन जिद की वजह से नहीं उन्होंने बात कबूल की तो अब अल्लाह का गुस्सा देखें क्या है इन्होंने चूं अहद अल्लाह ताला का तोड़ा है अल्लाह से किया हुआ कॉलो करार तोड़ा है अब इसके बदले में अल्लाह इन्होंने दुनिया की मोहब्बत की खातिर यह किया आज भी यही कर रहे हैं पैसे दे फतवा ले लें ले अपनी मर्जी का तो अल्लाह तमारा ऐसे लोगों का अब आखिरत में कोई हिस्सा नहीं यानी जो कुछ कमाना था ना दुनिया में कमा लिया अब आखिरत में कुछ नहीं ये नहीं होगा कि दोवे जाने मुठे बाहू इधर भी कापा चुके हो या लाया हुआ लोग और आखिरत भी मिल जाए ऐसा नहीं होगा तो लाख आखिरा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है ना अल्लाह इनसे कलाम करेगा ना इनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा ना इन्हें पाक करेगा बल्कि इन्हें अजाब अलीम का सामना दर्दनाक अजाब अलीम का लफ्ज देखे इस्तेमाल हुआ है अवीम का नहीं हुआ तकलीफ दे अजाब में इनको झोंका जाएगा आमीन। अब उनका एक डिस्कस हो रहा है। यहां पर भी आप देखें ना आप उलमा से अगर कोई मसला पूछने जाए तो इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ऐसे मुश्किल अरबी के और उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि आम बंदा समझता है शायद ये जो कुछ बयान कर रहा है वाकई कुरानों दें लिखा हुआ है तो इनके बुजुर्गाना दीन भी यही करते थे और किसके साथ करते थे पैगंबर के साथ क्यों करते थे नबी इस्लाम को इबरानी जुबान तो नहीं आती थी आप तो वैसे ही उम्मी थे और यह आपका मोजा था सूरतुलकबूत में अल्लाह फरमाया कि अगर यानी ऐसा मामला होता ना आप इस कुरान के नजूल से पहले ना तो दाएं हाथ से लिख सकते थे ना किताब में कुछ पढ़ सकते थे वरना यह चीज़ लोगों को शक में मुबतला कर देती कि किताब आपने खुद लिखी है तो नबीर इस्लाम का उम्मी होना ये उम्मी का माना अनपढ़ या जाहिल के मानों में नहीं होगा यानी आपने लिखना पढ़ना नहीं आपको अल्लाह ने सिखाया था ये आपका मोजा था क्रैमिंग थी चीजें याद थी कुरान पूरा अल्लाह ने हिफ्स करवा दिया आप जब वही लिखवाते थे उसकी काउंटर वेरिफिकेशन इस तरह होती थी कि जो लिखवाई होती थी ना आप कहते थे पढ़ो क्या लिखा है फिर आप उसकी तसीह करवा देते थे अपनी उसी क्राइमिंग की वजह से जो अल्लाह ने आपके दिल में कुरान को जमा कर दिया था तो अब ये रोब डालने के लिए हिब्रू जुबान के अंदर इब्रानी के अंदर उनके पास जो तौरात मौजूद थी नबीलाम को कभी कभार बुला लेते थे ना फैसला करने के लिए चूंकि आप मदीने के हाकिम तो बन चुके हुए थे तो आपसे फैसला करवाया करते थे और कोशिश इनकी होती थी कि कोई मर्जी का फैसला ले लें यानी जब अशराफिया में से किसी के ऊपर कोई मसला हो तो नबीस्म से कोई फेवरेबल चीज़ डिमांड करें अब उ में किताबुल हदूद चैप्टर में एक पूरी डिटेल हदीस मिलती है कि नबी नबीलाम को यहूदियों ने अपने मदरसे में बुलाया अल्फाज है मदरसा मदरसे उस टाइम भी थे मदरसे के अल्फाज हैं और नबी नबीलाम को उन्होंने कहा हमने आपसे एक जिना के केस का फैसला करवाना है अब वो चूँकि एक ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग थे जिनके ऊपर जनाह का मसला था अब उनको यह पता था कि हमारी किताबों में तो इसकी सज़ा जो है वो रजम है नबी नबीसलाम को बुलाया गया तो एक बड़ी गद्दी आपको दी गई आप इस्लाम उस गद्दी पर बैठ गए और आपने फ़रमाया तो रात ले आओ और आप अपने साथ एक अपने ऐसे सहाबी को ले गए थे जो तौरात पढ़ना जानता था यानी इबरानी ज़ुबान जानता था जब वो तुरात ले के आए तो नबी नबीसम ने अपनी पीठ के नीचे से गद्दी निकाल के सामने रखी तो रात उसके ऊपर रखी और फरमाया मैं ईमान लाया इस किताब पर और इस किताब के नाजिल करने वाले पर हालांकि वो किताब टेम्पर्ड थी लेकिन आपने उसका एहतराम किया और आपने उस किताब में से अपने सहाबी को कहा कि ढूंढो क्या सजा लिखी हुई है वो जब पहले तो वो यहूदी ने पढ़ना शुरू किया और उसने जहाँ पे वो उसकी सजा लिखी थी उसने उस पर हाथ रख के उसको स्किप कर दिया तो सहाबी ने पकड़ लिया उन्होंने कहा यारसल्ला यही लिखी हुई है सजा और फिर आपने इस्टेबलिश करवाई अब इसी का एक नक्शा यहाँ पर खींचा जा रहा है वहाँ इन हम लफरीकई ना अलसिन तहम बिल किताब और इनमें से एक गुरु वो है जो अपनी जुबान को बड़ा मरोड़ के पढ़ता है यह आपने देखा ना मौला अली अब यह सीधा भी कहा जा सकता है तो ऐसे ऐसे मोटे मोटे अल्फाज भी बोलेंगे अजीबोगरीब गरीब किस्म के कि आप जनाब वो परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं कहां से पढ़ रहे हैं ये कुछ यही करते थे इनके बुजुर्ग भी यलव ना अलसी बिल किताब वो अपनी जुबान मरोड़ते हैं किताब को पढ़ते हुए लिता सबू हूं मिनल किताब ताकि तुम यह समझो कि यह किताब में से पढ़ रहे हैं वह माँ हुआ मिनल किताब जबकि वो किताब में लिखा ही नहीं होता यानी वही जो हम कहते हैं कि मुस्लिम शरीफ से मौलाना शरीफ को बाहर निकालें तो वो भी अपनी तो रात के अंदर मौलाना शरीफ घुस जाते थे पढ़ रहे उसमें से हैं जैसे वो पुराने जमाने में लोग उस वक्त तो मोबाइल नहीं होते थे ना तो सिलेबस की किताबों में लोग रख के ना टार्जन की कहानियां पढ़ा करते थे हमारे भी बाजुकात बुखारी मुस्लिम सजाई होती है बुखारी खोल के भी पढ़ रहे होते हैं तो वो में नहीं लिखा होता डॉक्टर कादरी साहब इंडिया में अहमदाबाद एक जगह है एक लाख के करीब मजमा था जिससे वो खिताब कर रहे थे उसकी वीडियो भी यूट्यूब पर रखी है मूसा और खजीर का वाक्य सुनाते हुए वो आ... क्रॉस रेफरेंसेस देते हुए सही बुखारी शरीफ की हदीस उन्होंने कोट की कि मेरी उम्मत से सत्तर हज़ार लोग बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे और उन्होंने कहा कि उनमें से हर हज़ार जो है वो सत्तर हज़ार को लेके जाएगा फिर आगे उन्होंने कहानी जोड़ दी उन्होंने कहा आगे आगे पीर होंगे पीछे पीछे मुरीद होंगे और फिर कहते हैं मैं बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूँ लोग तो यकीन करेंगे कि बुखारी शरीफ है जबकि बुखारी शरीफ नहीं होती अच्छा कई अरबी अशार पढ़ रहे होते हैं तकरीरों में वो चूंकि अरबी में होते हैं तो आम आदमी समझते हैं कुरान पढ़ रहे हैं कुरान पढ़ते पढ़ते को कॉल किसी का पढ़ देते हैं तो लोग समझते हैं कुरान पढ़ रहे हैं इससे भी बढ़ के अगर कोई अरबी आपको अरबी में गालियां भी निकाले ना तो पाकिस्तानी वाम की अक्सर तो उसे भी कुरान ही समझेगी सही तजवीद के साथ अगर वो गालियां निकाले आइन का हा का ख्याल करते हुए ठीक है तो आप तो गालियां समझेंगे तो ये उन्होंने कहा कि जुबान को मरोड़ के नबीम के सामने वो पढ़ रहे थे तो ताकि आप समझें किताब किताब कि किताब वमा हुआ मिनल किताब जबकि वो किताब में से नहीं पढ़ रहे वूना हुआ मिन आंद और साथ वो ये भी कह रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ हम पढ़ रहे हैं अल्लाह व माँ हुआ मिन आंद जबकि अल्लाह ने तो ये नाजिल किया ही नहीं है सर दीन वो है जो आसमानों से नाजिल हुआ है दीन इस जमीन की चीज ही नहीं है ये जेन में रखिए ये एक जुमला अगर आप ले लेना कि दीन आसमानों से नाजिल हुआ है दीन जमीन की चीज नहीं है जमीन की चीज नहीं है तो इसका मतलब यह है कि पैगंबर ने भी अपनी मर्जी से दीन नहीं पेश करना उस पर जो आसमान से नाजिल होगा वो वही बयान करेगा और जब पैगंबर वो बयान करेगा तो बाकी लोग तो किसी खाते में नहीं है ठीक है जो कहते हैं ना आवाज आई तो आवाज तो जमीन में ही आएगी ना आसमान से आई होती तो बार भी सुन लेते है। जी। जमीन पे ये देख रहे होते आसमानों से नाजिल हुआ है दीन। तो अल्लाह तला है वो किताब में होते नहीं वह और अल्लाह पर झूठ मानते हैं वो या और वो जानते भी है कि ये नहीं लिखा हुआ फिर भी बोल रहे होते अक्सर लोग हम कहते हैं यार इतने बड़े बड़े उनको नहीं पता लिखा हुआ सर पता होता है अक्सर को तो वैसे नहीं पता होता उसकी वजह है कि उन्होंने वो कुरानदीश तो पढ़ा नहीं होता उन्होंने तो अपनी फिक्र अनफी पड़ी होती सात सालों में और जिन्होंने कोई पढ़ भी लिया होता है ना वो भी फिर उम्मत के वसीतर और मुफाद में ये समझते हैं वो पीछे जब देखते हैं ना ऐसे कि सारे दो नंबरी कर दिया तो कहते फिर दो नंबरी ही करनी चाहिए क्योंकि अगर आप सबसे हटके को रास्ता इख्तियार करेंगे तो शोर पैदा होगा आप कभी नॉर्दर्न एरियाज में चले जाए ना जहां पे वो चश्मे बह रहे होते हैं तो आपको एक खास आवाज आती है चश्मे के बहने की वो आवाज उन पत्थरों की वजह से होती है जो चश्मे के रास्ते में हायल होते हैं और जो पत्थर साथ ही लुढ़क जाते हैं ना उनकी आवाज भी नहीं आती चश्मे के रास्ते में शोर दरिया के रास्ते में शोर पैदा इसलिए होता है जब कोई एक चट्टान रास्ते में आ जाए तो पानी उसको हटा नहीं सकता तो पानी खुद चिर के यूं गुजरता है ना तो शोर मचता है इस माशरे के अंदर भी जो सच्चाई की आवाज की चटान बन के खड़ा होगा ना तो पूरा माशरा तो उस दरिया और चश्मे की इतना बहर है शोर उसकी वजह से होगा और उल्टा कहेंगे जनाब देखो मुसीबत पा गई है और इतना शोर मचाएंगे ताकि आम बंदों के लिए मामला मुबम हो जाए किसी के घर चोर घुस जाए और वह बेचारा वाह करे कि चोर घुस आए और आप जाके शरीफाना अंदाज में कहेंगे यार इतनी देर से लड़ रहे हो आधा आधा माल कर लो यार लड़ना बुरी बात है यह आपका एटीट्यूड होना चाहिए या उस चोर के खिलाफ आप मालिक के मकान का साथ दें तो हमारी ओवरऑल अक्सरियत यही कर रही है कि वो सच्चाई के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि ये मुश्किल काम है हुसैन तो हर कोई नहीं बनता ना जी अब वो चीज डिस्कस हो रही है अकीदा अकीदत के हवाले से यहूद नसारा ने चूंकि अंबिया के बारे में डिविनिटी क्लेम कर दी थी तो अब यह कुरान हकीम में अहम तरीन आयात हैं कॉन्टिन्यूसली ये पारा नंबर तीन के मुकम्मल होने तक माकान अली बशरताबल किसी बशर के लिए ये शायान शान ही नहीं वो इस बात का अहल ही नहीं है कि अल्लाह ताला उसे किताब दे और अपनी तरफ से हुक्म दे और नबुवत दे नासबाद और फिर वो पैगंबर लोगों से यह कहना शुरू कर दे कि लोगो अल्लाह के साथ मुझे भी पूछना शुरू कर दो अल्लाह है पैगंबर यह काम नहीं कर सकते ये पीरों का ही काम है इसी तरह होता है नहीं करवाते सच दे अपनी इबादत नहीं करवा इबादत के लिए जरूरी नहीं है कि पूरी नमाज उनके सामने खड़े होकर पड़ी जाए वो जो रिस्पेक्ट अपनी करवा रहे होते हैं वो इबादत की एक होती है ऊंचा सांस नहीं कोई ले सकता सवाल नहीं पूछ सकता उनके सामने खड़े रहते हैं जिस वक्त तक वो बैठ ना जाए वो बैठते नहीं है डर के मारे कमर नहीं करते उनकी तरफ मर जाए तो कब्र की तरफ पीठ नहीं करते ये अच्छा मुझे बताए ये कब्रों की तरफ तो पीठ नहीं करते नमाज पढ़ के ये मस्जिद से उल्टे कदम क्यों नहीं निकलते काबे को पीठ करके निकलते पक्की काबे न पीठ कर देने दरबार नहीं कर दे फ़र्क देखा आपने और वैसे खान कहे के वो उससे अकीदत के और जज्बात के वो नारे बुलान ज़रूर करेंगे दोनों ही गलत है ना कहाबे को यानी ज़रूरत है कि आप उल्टे कदम फेरें ना दरबार से उल्टे कदम फिरने की ज़रूरत है तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कभी नहीं ऐसा हुआ कि किसी इंसान को हम नबूवत दें हुक्म दें अपनी तरफ से और हम उसे किताब अदा करें और वो लोगों को दावत देते हुए अपना भी मामला बीच में दाखिल कर दे कि भाई अल्लाह की तो इबादत है ही है मैंने देखो अल्लाह का तारुफ करवाया तो मेरी भी इबादत करो ना ऐसे नहीं हो सकता रब्बानी बल्कि वो तो यही कहेगा कि रब्बानी हो जाओ अल्लाह वाले बन जाओ पैगंबर क्या कहेगा अल्लाह वाले बन जाओ बिमा कुम तो किताब व बिमा कुं तुम तदरसून इसलिए कि तुम, तुम दो दूसरों को तालीम देते रहते हो किताब की और बवजह इसके कि तुम खुद भी इससे पढ़ते हो जब अल्लाह ताला ने पैगंबरों को किताब दी और पैगंबरों के मानने वालों ने किताबों के जरिए जो अम्बिया के आसार थे आगे बात चलाई है तो उन किताबों में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी होगी कि अल्लाह के साथ पैगम्बरों को भी यानी हजरत उजैराम को आपने अल्लाह का बेटा मान लेना नाउजुबालिक या हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मान लेना यह पैगम्बरों की तालीमात ही नहीं होगी नॉट एट ऑलो नबी अरबाबा और वो कभी अल्लाह तुम्हें इस बात का हुक्म नहीं देगा ना अल्लाह का नेक बंदा कि तुम फरिश्तों को और पैगंबरों को रब मान लो अल्लाह के साथ ये हो ही नहीं सकता अयम रकुम बिलकुफ्रबा इस तुम मुस्लिम क्या अल्लाह ताला या उसका पैगंबर तुम्हें कुफर की तरफ बुलाएंगे इसके बाद के तुम इस्लाम ला चुके हो यानी अंबिया कराम की रिस्पेक्ट का हर गिज यह मतलब नहीं है कि अंबिया अपनी इबादत करवाना शुरू करते मुझे बताएं कुरान जब नबियों को इस तरह डिस्कस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है बुज़ुर्ग बाबे बाबियां किसी खाते ही जी नहीं वो तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है उनका नाम भी लेना और उनको भी डिस्कशन करना कि ये भी कोई किसी लेवल पे है जब पैगम्बल डिस्कस इस तरह हो रहे हैं कि वो अल्लाह के मुकाबले पे ये नहीं करेंगे और आप क्या कहते हैं जी अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिलेगा अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं वो कौन से अल्लाह वाले हैं जी वो अल्लाह से मिला रहे हैं वो अल्लाह वाले वो अल्लाह से मिला रहे होते हैं जो लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ते हैं अपने साथ नहीं जोड़ते अपने साथ जोड़ने वाले कौन है जो कहते हैं जी पहले पीर में फना हो फना फिर शेख फिर फना फिर रसूल फिर फनाफ अल्लाह तो फना फिर रसूल फनाफ अल्लाह तक तो पहुंचना नहीं, नहीं शेख जी तू फना होना है शेख ने तोड़ा माल भी ले लेना है इज्जत भी ले लेनी है जदू उन्हें चाणे ना तो काम भी पा देना दीन इन चीज़ों का नाम नहीं है दीन पैगम्बरों की इतबा का नाम है और इबादत और तोहद का जो सेंसटिव इशू है उस मामले में अल्लाह के साथ अल्लाह ने कहा है कि पैगम्बर और किसी फरिश्ते का भी बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है वो उसके साथ शरीक नहीं हो सकते और अल्लाह स्टार्ट इसलिए कि किसी बशर की तो ये हैसियत ही नहीं है कि वो ये काम करना शुरू कर दें यहाँ पर मैं एक क्रॉस रेफरेंस के तौर पर मुझे आयात याद आ गई सूर अगर आप निसा के बिल्कुल एंड पे चले जाए ना तो अल्लाह ताला ने ईसा इबन मरियम के हवाले से डिस्कशन की है आऊदबिल्ल शीम बसमीम वन सेवनटी थ्री है जी सूरत निसा की पहले तो हजरत ईसा इस्लाम की फुल तारीफ हुई है कि अल्लाह ने उनको अपना कलेमा बनाया है वो रूहुल्ला है उनकी पैदाइश मजाना है उनको अल्लाह ने बड़े बड़े मुजात दिए उनकी ये शान उनकी ये शान उनकी ये शान फिर अल्लाह तक ने कहा कि देखना दीन में ग़लू नहीं करना और करते करते फिर वन सेवनटी टू वन सेवनटी थ्री ऑनवर्ड इन आयात में अल्लाह तफमा है ईसा मसीह कभी भी इस बात के ऊपर शर्मिंदा नहीं होंगे कि वो अपने आप को अल्लाह का बंदा कहें ये उनके फखर की बात है या आप किसी मौलवी को किसी पीर को कहें ना आप अल्लाह के बंदे हैं और आप लिखा हो ना कहीं पे इनका हो ना तो आप उसके साथ ना लिखें हजरत फला फला जो दुमे लिखें अल्लाह का बंदा और आगे उसका नाम लिखते तो देखें उसको कैसे चिड़ चढ़ती है वो कहेगा भाई आप लिखो शाह हदीस व तफसीर हजरत मौलाना उस्ताजुल यादगार असलाफ यानी जितना वडा फ्रॉड ए कर रहे ना असलाफ इस करते थे जाहिर है यही मतलब है ना इसकी वजह आप लिखा हो अल्लाह का बंदा आगे मौलवी के साथ मौलाना भी ना लिखा हो तो आप देखें वो जनाब वो इश्तहार के ऊपर अगर नुमाया जगह पे नाम ना ना हो या साइज उनसे जिसको वो अपने से छोटा समझ रहे हैं उसका नाम बड़ा लिखा गया और इनका छोटा जनाब रिजेक्ट कर देते हैं इश्तहार को वो, आने से इनकार कर देते हैं सब कुछ दुनिया के लिए कर रहे होते हैं ना और अल्लाह ईसा जिस जैसा कोई पैगंबर ही नहीं है मोजाद के अतबार से जिनकी पैदाइश मोजाना आसमानों पर उठाया जाना मौजाना और बेक्यामत में वाद बंदा है जिसने वापिस आना है मौजाना और मोजे भी मौजाना मुर्दों को जिंदा करना अल्लाह के इजन से कोड़ी को शिफा देना अल्लाह के ईजन से मट्टी की मूरत में फूक मारना और उसका परिंदा बन जाना अल्लाह के इजन से। सर इतने बड़े मोरजात किसी पैगंबर को नहीं दिए गए और अल्लाह तुम उनके बारे में कह रहे हैं यस्तन्क, ईसा कभी आर महसूस नहीं करेंगे कभी उनको शर्मिंदगी नहीं होगी कि वो अल्लाह के बंदे हैं वलल मला मुकर्रबून ना किसी मुकर्रब फरिश्ते के यानी मुकर्रब फरिश्ते कौन है वो चार जिब्राइल, मिकाइल इसराफीर और मलकुल मौत जिसे इसराइल भी कहते हैं वो भी कभी जरूरत नहीं करेंगे कि उनको अगर, अगर अल्लाह का बंदा कहा जाए तो वो शर्मिंदगी महसूस करें उनको तो कहना चाहिए जनाब सारे फरिशा सरदार जरूरत ही नहीं उनकी भी वहींफान अबादति जो कोई भी आर महसूस करेगा हमारा बंदा कहलाने का हमारी इबादत से आर महसूस करेगा वह यस तकबिर और तकबर करेगा फ़ यह शुरु इले ही इले ही इलेही जमीआ ऐसे सब लोगों को हम क्या वाली जमा करेंगे फ़ अमलीन आमनआम तो जो लोग दुनिया में ईमान लाए और नेक अमाल किए फू हिम उजूर हम तो अल्लाह तुन को उनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा फली और अपने फजल से ज्यादा ही दे देगा वह अमीन कफू और जो कोई आर दुनिया में महसूस करते रहे वस्तकबरू और तकबर करते रहे, अलीमा, तो हम उन्हें अजाब देंगे यार अंदाजा करें जिक्र किसका और है? मरियम और मुक्रफ रिश्तों का लेकिन यह समझाने के लिए मोहाल है कि अगर वो ये करेंगे तो तो चूंकि उन्होंने नहीं किया तो अब यह कोई नहीं कह सकता कि अल्लाह चाहे तो ईसा को भी दोजक में फेंक दे नहीं राउिल्ला ऐसे नहीं जुमला बोला जा सकता हां यह बोला जा सकता है कि कोई बड़े से बड़ा पैगंबर कोई बड़े से बड़ा फरिश्ता भी अगर अपनी इबादत करवाता तो अल्लाह उसे दोजक में डाल देता लेकिन चूंकि यह हुआ ही नहीं है और यह इसे कहते तालीक बिल मुहाल यह अल्लाह ने अपने बारे में भी बयान किया है तुम बिल फर्ज अगर कोई अल्लाह का बेटा होता ना तो सबसे पहले मैं उसे पूछ रहा होता ये आगे हो जाए जगह है काफी से बिल फर्ज अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो मैं उसकी पहले इबादत कर रहा होता अब इसका क्या मतलब है कि अल्लाह का कोई बेटा है नहीं समझाने के लिए वह तो लम्बली बोलाता है वला यजिदून अलह मिन्दून अलीम वाला नसीरा और फिर ऐसे लोग चाहे वो अम्बिया हों या फरिश्ते अल्लाह के सिवा ना तो कोई अपना दोस्त पाए और ना ही कोई मददगार जो अल्लाह से उनको छुड़वा सके अगर वो अपनी इबादत करवाना शुरू करते हैं ये हैं वो धमकियां जिसकी वजह से अम्बिया का जो एटीच्यूड है वो तोहद वाला होता है अब जिन लोगों ने कुरान पढ़ा ही नहीं है उन्होंने पढ़ा कलाम बाहू सैफुल मलूक बुजुर्गों के वाक्यात उनको क्या पता कि तोहहीद किस चीज का नाम है ये कायनात का मकसद ही तोहहीद है और किस लिए कायनात बनाई गई है वह माखलतुल जन्न आबुदून हमने जिन और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो हमारी ही इबादत करें हमें माने नहीं सिर्फ इबादत करें इबादत का मतलब है जो हम कहें वो कुछ करें उसमें से एक ऐसा नमाज पढ़ना है इबादत का मानना होता है टोटल ओबीडियंस यानी जिसके आप बंदे हैं ना उसी को सब कुछ मान लेना अब जनाब आयत नंबर है एटी वन इमरान की यह बहुत अहम आयत है एटी वन और एटी टू जिसमें अल्लाह ने आलम अरवाह में यानी जब सिर्फ रूहें थी तो पैगंबरों की रूहों से एक अहद लिया था वैसे तो हम सबसे अहद लिया वह सूरत अलराफ में आएगा अलस्तु बिर क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं कालू भला तो हम सब ने कहा था हाँ एल्ला तो हमारा रब है वो हमें अहद याद नहीं है लेकिन हमारी इंस्टिंट में तो ईद मौजूद है वो जरा सी भी कोई ट्रिगर करता है तो वो बात समझ आ जाती है इंसान को कि मैंने अपने आप को खुद नहीं पैदा किया मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा नहीं किया उन बेचारों को तो पता ही नहीं था उनके साथ क्या होना है ये तो अल्लाह ने जरिया बना दिया ना किसी ने अपने माँ बाप कभी खुद चूज किए नहीं तो अल्लाह ताला ने आलम अरवा में अम्बिया से एक स्पेशल अहद लिया था जिस तरह बाकी इंसानों से लिया अम्बिया से स्पेशल चूंकि वो दुनिया पे अल्लाह के नुमाइंदा बनने वाले थे वह वज़ल का नबीजीन और वह वक्त याद करो जब अल्लाह ने तमाम नबियों से यह अहद लिया था लमा आती तो कुमिन किताब विकमा कि जब कभी मैं तुम्हें दूँगा किताब और हकमत यानी किताब और हिकमत यानी पैगंबर बना के दुनिया में सुम्मा भेजू रसूलुम जाम लिमा उमसद्दुल्लिमाकुम और तुम्हारी मौजूदगी में ही अगर कोई और रसूल आ जाए जो तुम्हारी तस्दीक करने वाला हो अल्लाह की तरफ से लतुमिन नबी ही व तो तुम्हारे पर यह लाजिम है कि तुमने उस पैगम्बर की ज़रूर मदद करनी है और उस पैगम्बर के ऊपर ईमान भी लेके आना है यानी एक वक्त में एक से ज्यादा पैगंबर आए ना तो उनके लिए जरूरी है इससे पता चल गया कि पीरी मुरीदी में तो ठीक है चलते हैं कभी हुआ है कि एक गद्दी के ऊपर दो पीर बैठ जाए बैठेंगे भी तो नाराज बैठे होते हैं ये नहीं आपने कहना कि फिलहान जगह बैठे हैं नहीं एक दूसरे को गुमराह समझता है लेकिन ये जो पैगंबरों का जो खानका वाला मामला है ना उसमें अल्लाह ने फरमाया ये हो ही नहीं सकता आपने देखा पैगंबर और पीर में कितना फर्क है वैसे तो पे से ही दोनों शुरू होते हैं लेकिन जमीन आसमान का फर्क है पीरी मुरीदी में एक पीर दूसरे पीर को कत्ल कर देता है ठीया लादा कर लेता है और पैगंबरी में यह है कि अगर तुम्हारी मौजूदगी में कोई और पैगंबर आ जाए तुमने उस पर पहले ईमान लेके आना है कि हाँ ये अल्लाह का पैगंबर है मैं ऐसे पैगंबर मानता हूं और दीन के काम में मैं इसका साथ दूंगा तो यह पैगंबर ही कर सकता है क्योंकि उसकी लालच नहीं ना होती वो तो अल्लाह के लिए कर रहा होता है और इसकी प्रैक्टिकल मिसाल सैदुना याहिया बिन जकरिया ने तस्दीक की ईसा इब ने मरियम की दोनों एक वक्त में हजरत या हजरत ईसा के दिफा के लिए खड़े हो गए कि मैं इन पर ईमान भी लाता हूं और इनकी तस्दीक भी करता हूं ये रूहुल्ला है कलिमतुल्ला है और इसकी पदाश में हजरत हजरिया को भी कत्ल किया गया तो ये इस आहद की पासदारी की तो ये आयत है जनरल और अगर तवीले आम में आप स्पेसिफिक मुख्तलिफ केसेस कंसिडर करना शुरू करें तो इसी में यह आता है कि अगर हमारे नबी की मौजूदगी में कोई पैगंबर हमारे इस्लाम किसी पैगंबर की मौजूदगी में दुनिया में आ जाते तो उस पैगंबर पे ये वाजिब था कि वो हमारे नबी की तस्दीक करता वैसे तो मिलाद के जल्सों में इसका यह तर्जमा बयान किया जाता है कि अल्लाह ने तमाम नबियों से अहद लिया कि अगर तुम्हारी मौजूदगी में मेरे आखिरी नबी आ जाए ये कहाँ लिखा हुआ यार को शर्म करो अगर होता तो अर रसूल के साथ होता कि वो खास रसूल आ जाए यहां तो जनरल है कोई भी रसूल आ जाए ये आए थी जनरल है नबीसलाम के बारे में नहीं है ये, ये जनरल है क्योंकि रसूल तो किसी नबी की मौजूदगी में आया ही नहीं है क्या जब आप दुनिया में कोई और रसूल था कि वो आप पे ईमान लाता और आपकी तस्दीक करता तो इसकी इंप्लीमेंटेशन रसुल्ला पर हुई नहीं है लेकिन अल्लाह ने एक एजाजी तौर पर इंप्लीमेंटेशन इस तरह करवा दी शब्ब मराज तमाम अम्बिया को बैतुलमकद में जमा किया जो सही मुस्लिम में हदीस है और आपने फरमाया कि जबरीम ने मुझे कहा कि आप इनकी इमामत करवाएं तो वो ये जो अहद था ना इस तमाम नबियों से नबीलाम की नबूत को इस तरीके से लेकिन वो भी ये वाला केस नहीं है क्योंकि इस केस में है कि नबी मौजूद हो और नया नबी आ जाए तो जो ऑलरेडी मौजूद है वह उसकी तस्दीक करे रसुल्ला के केस में यह नहीं हुआ आप अल इस्लाम आए हैं तो बाकी ने तस्दीक किया वो तो पहले ही आके जा चुके थे हाँ जब नबी इस्लाम आए हैं तो एजाजी तौर पर बाकियों को अल्लाह तला ने बैतुलमकद में जमा किया लेकिन ये जमा होना कोई दुनियावी जिंदगी नहीं थी वरना एक लाख से ज्यादा लोग किसी शहर में जमा हों उस जमाने में जब शहर ही छोटे छोटे होते थे यहाँ तो एक, एक क्रिकेट टूर्नामेंट हो जाए तो पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक ब्लॉक हुई होती है एक लाख बंदा मस्जिद में जमा हो तो ऊपरली हो जाती है वो किसी को नहीं पता चला वो कोई उस रात बैतुल मकदिस भी गया ना वो अंबिया को वहाँ पर देख नहीं सकता जिसने आप खबर के हज़ाब को देख नहीं सकते ये बरसक़ का मामला था तो नबी इस्लाम ने उनकी इमामत करवाई और ये इमामबिया का लगभग हम इसी हदीस के तहत अखज़ करते हैं ये सही मुस्लिम में आपको शुरू ही में हदीस मिल जाएगी मराज वाले चैप्टर के अंदर यह आलमोस्ट बीस पच्चीस अदीस हैं मराज के ऊपर ऊपर तले

तो जब इस्लाम ने दावे नबूत किया तो सबसे पहले तो खजर को आके उनकी दावत कबूल करनी चाहिए थी ना क्योंकि आया है कि जब मैं तुम्हें पैगंबर बना के भेजूँ और कोई और पैगंबर आए तो तुमने उसको वेलकम कहना है तो हजरत खजर ने कहाँ पे? खजर उर्दू में बोलते हैं लफ्ज़ खजिर है खबिर दुआत के साथ आ, ये कोई ज़यीफ रवायत दिखाएँ कि हज़रत खजर हज़ूर के पास आते हैं और कहें यारसोल्ला मैं आप ही मान लाया हूँ जबरेइल का तो आता है इंसानी शक्ल में आया है खिजर का कहीं पे आता है तो जाली सारा काम बनाया हुआ वो खिजर मूसा के जमाने में था वो फरिश्ता था पैगम्बर था आलम वो एक वाक रिपोर्ट हुआ दैट्स ऑल तो अगर वो थे और रसुल्ला को उन्होंने वेलकम नहीं किया तो अपनी नबू से हाथ दो बैठे हैं आगे आ जाएगा कि अगर कोई मेरा पैगम्बर आया और तुमने उस पर ईमान ना लाए और यह अहद तोड़ दिया तो तुम फासिक हो जाओगे तो ये खिजर को फासिक करवाना चाहते हैं अच्छा खजर भी इनका जो है ना इनका खिज़र वो इतना होशियार हैज़ूर के ज़माने में गायब गजब बदर में गायब ओहद में गायब यरमोग में गायब बाद आगे बाबे का मिलता है जो तेरी लोड सी कितने से वो बेसिकली शैतान है जो इंसानी शक्ल में इनको मिलता है मैंने खिजर के ऊपर पूरा लेक्चर दिया है और उसका तरीका है जिसको आगे मिलता है वो लाह बिल्ला पढ़े गायब ना हो जाए मुझे आगे पकड़ने और लोगों के गायब भी हुए हैं खिजर प्रैक्टिकली ये इस तरह होता नहीं है तो इस आयत से मैंने डिटेक्ट किया था कि वो फिर अगर खिजर थे भी तो फिर वो कुफर की तरफ चले गए फिर इन्होंने इसका हाल निकाला वो कहते ना जी खिजर तो पैगम्बर है ही नहीं था वो तो अल्लाह का वली था हम कहते कायम रहा इस बात पर भी ये तो उससे बड़ा ख़तरनाक खेल खेल रहे हो तो क्या कोई वली किसी पैगम्बर का उस्ताद हो सकता है कहते है, नहीं जी तोबा 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 तो हजरत मूसा इस्लाम के उस्ताद नहीं है खिज़र कुरान में जो वाक्य है और बुखारी मूसन में पूरी डिटेल है मैंने उसमें वीडियो भी किस्सा मूसा और खिजर रिकॉर्ड करवाई है उसमें हज़रत खजर कहते हैं कि मूसा अल्लाह ने बाज़लूम आपको ऐसे सिखाएं जो मुझे नहीं सिखाए और बाज़ालूम मुझे ऐसे सिखाएं जो आपको नहीं सिखाए तो हज़र मूसा कहते हैं मैं आपसे वही तो सीखने आया हूँ तो मुझे बताएँ अगर किसी मुसलमान का ये अकदा है कि पैगम्बर ने जाके बबू से सीखना है तो उसने तस्वुफ की लाइन पे क्या चढ़ना है ईमान से तो हाथ दो बैठा क्योंकि दुनिया में अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव कौन है पैगंबर ये बाबों के पास भेजते हैं कभी गोश्त मांगने के लिए इंसानी सब झूठ है ये मसनवी मौलाना रूम में सारा के सारा गंद लिखा हुआ है और वो वाकयात बयान कर रहे हैं और इतने मजे ले लेके वो वाकयात सुनाते हैं वो जब फिर हम उसकी इंजीनियरिंग करते हैं तो है? इस तरह करके बैठ जाते हैं ये क्या हो गया भई यार ये बात ठीक है कि नहीं है तो आपकी अकल काम करती है किस तरह होगा तो यहाँ पे अल्लाह ने जिक्र किया कि फिर नबो छिन जाएगी उस बंदे की जो फिर जिसकी मौजूदगी में कोई और पैगम्बर आया और उस पर ईमान लाया अब वो बात चल रही है काला अकर तुम व अखद तुम अला तमाम पैगम्बरों क्या तुम इकरार करते हो और इस पर मेरा भारी जिम्मा उठाते हो इस बात के ऊपर कि तुम नबी हो और तुम्हारी मौजूदगी में कोई और नबी आए तो तुमने उस पर भी ईमान लाना है और उसकी तस्दीक भी करनी है देखिए नहीं इस आयत की इंप्लीमेंटेशन किस तरह जबरदस्त हुई है यह अभी मेरे दिमाग में अल्लाह ने डाला है कि पीर और पैगंबर में फर्क क्या है पीर लड़ते हैं आपस में और पैगंबरों को हुक्म है कि तुम्हारी मौजूदगी में कोई और आए ना तुमने ये नहीं कहना है। दूसरी गद्दी खुल गई है बल्कि ना सर आओ मेरी गद्दी पर बैठो तो अल्लाह ने भेजा तो फिर यह पीर क्यों दावा करते हैं हम नबियों के दावत को आगे लेके चल रहे हैं नबियों की दावत लेकर चल रहे होते तो एक दूसरे को गदियों में बैठाते तो तो गदियों में बैठाते हैं ये इनको मौका मिले तो और यार ये तो बड़े पीरों की कब्रों से लाशें निकाल के ले जाते हैं अपने दरबारों को शिफ्ट करने के लिए कि ये उधर मैंने अपना ठिया उधर बनाना है इनकी तो ये हालत है कालू अकर ना तमाम पैगम्बरों ने कहा हम इकरार करते हैं कि हम आपकी बात अल्लाह मानेंगे काला फश हदू अल्लाह ने फरमाया सारे एक दूसरे पर गवाह हो जाओ कि ये तुमने इकरार मेरे साथ किया है शाहीन और मैं भी गवाहों में शामिल हूँ अल्लाह अकबर अल्लाह कह रहे मैं भी गवाहों में शामिल हूँ कि तुमने मेरे साथ अहद किया तो ऐसे लोग फिर फासिक होंगे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक पैगंबर की मौजूदगी में दूसरा पैगंबर आए और वो उसकी मदद ना करे वरना उसकी अनुभूत गई इसलिए मैं कहता हूँ खिजर की अनुभूत बुचा लो अगर उसको जिंदा रखना है तो कहो कि वो हजूर से पहले फौत हो गया था वरना अनुभूत गई उसकी ये लॉजिकल लेकिन इन बचारों को ना कोई दीन पता इसलिए फिर अल्टीमेटली और जी सारा दीन किताबाजते नहीं है ना कितने है फिर और किताबाइज नहीं तो फिर कितने है सीने से भी नहीं रहा जी बिरलवियाँ से सीने थे थे थे? दो बंदियाँ दे सुनिया दे कि शिया दे सीने भी तो वकवाक ने ठीक है तो अल्टीमेट हाँ तो अगर कहता है इनके सीनों में तो दूसरों से पूछ रहे इनके सीनों में क्या है कहेंगे इसके सीने में बुखसे रसूल भरा हुआ है दूसरा कहेगा इसके सीने में तो शिरक है तीसरा कहेगा ये तो बेदती है सीने नहीं हजूर ने हजरत उलबाब पे सीने छोड़े थे ना सीने का गोश छड़ा ना ओद पीस ये काम नहीं नबी नबीम पर मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत दैट्स ऑल वदीर ख़ुम पर फरमाया अल्लाह की किताब और मेरे अहल बैत के साथ उसने सलूक करना दैट्स ऑल हालांकि नबी नबीलाम के पास तो ऐसे लोग भी थे जो आप छोड़ भी सकते थे कि ये मैं इन पर इतम करता हूँ लेकिन उसका फ़ायदा नहीं था उसकी वजह यह है कि जिस तरह हजूर दुनिया से चले गए उन्होंने भी दुनिया से जाना था लेकिन कुरान देख लें कुरान आज भी उसी तरह ज़िंदा है जिस तरह हज़ूर के ज़माने में था तो इसलिए आप अल इस्लाम ने कुरान और सुन्नत को छोड़ा दीन इल्लाह अबगून क्या अल्लाह के सिवा कोई और दीन तलाश करते हैं ये लोग वला अस्लम मन जबकि जमीन व आसमान में हर कोई अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम किया हुआ है यह सिर्फ जिन और इंसान है जो बागी है आज तक कभी हुआ है कि सूरज ने निकलने से इनकार कर दिया विद रिस्पेक्ट टू जमीन कभी नहीं हुआ या जमीन ने उगाने से इनकार कर दिया हो हर चीज ताब फरमान है अल्लाह की जिसकी जो ड्यूटी लगी है वो उसी तरीके से आज तक हुआ है कि आग आप जलाएं और वो चीज़ों को गर्म ना करे वो इब्राहिम के लिए एक ही दफा ही आग ठंडी हुई है आग की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है वो पूरी करेगी तो अल्लाह तो हमारा जमीन वमान में हर चीज सर तस्लीम खाम करती है अल्लाह के सामने जिन और इंसान इसलिए नहीं करते कि उनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है अगर इनको भी फरिश्तों की तरह अल्लाह तला बनाता ना इख्तियार ना देता तो यह भी करते तऊ कर हा खुशी से या मजबूरी से हर चीज अल्लाह की ताब फरमान है वह अलहीजाउन और उसी की तरफ लौटाया जाना है सबको अब अल्लाह तला ने यहूद नसारा के फरसूदा नजरियात के बाद ईमान वालों को बताया कि भई ये अकीदा होना चाहिए बंदे का और नबीलाम की मुबारक जुबान से इसको कहलवाया ना बिल् ए नबी तुम फरमाओ हम ईमान लाए अल्लाह पर व मा उन और ईमान लाए उस पे जो हम पे नाजिल हुआ यानी फाइनल टेस्टमेंट व मा उन अला इब्राहिम व इसमायल व इसहाक़ व याकूब वसबात और हम उन तमाम किताबों पर और सहीफ़ों पर ईमान लाए जो इब्राहिम इसमाइल इसहाक़ और याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुई वमा ऊत मूसा व और जो कुछ दिया गया मूसा को और ईसा को वन नबी यू नबिम और जितने भी रब की तरफ से पैगंबर आए सब पे हम ईमान लाते हैं लानु फर्र बीना अहद मिन हम हम ईमान लाने में किसी एक में भी फ़र्क नहीं करते व नहन मुस्लिम और हम अल्लाह के ताब फरमान होते हैं हम सरतिम खम करते हैं अपने रब के हजूल किसी एक पैगम्बर का भी इनकार नहीं करते ईमान लाने में फर्क नहीं करते फर्क का मतलब यह है कि हम यानी यहूदियों ने कहा हम मूसा को तो मानेंगे ईसा इब्ने मरियम को नहीं मानेंगे काफिर ईसाइयों ने कहा कि हम ईसा को मानेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानेंगे काफिर तो मुसलमानों को कहा जा रहा है तुमने ना तो किसी पैगंबर का इनकार करना है ना उनकी किताबों का इनकार करना है हमारे नजदीक ईसा इब्ने मरियम का इनकार भी वैसा ही है जिस तरह कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दे कोई फर्क नहीं कर सकते यह फर्क है ईमान लाने में मरतबे में फर्क है तिल का रसुल तिल का अल्लाह के फजीलत दी ये शुरू में आयता आई थी ना तीसरे बात तिल का रसुल फलना बाहम अला बात अल्लाह के रसुल में अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत दी है लेकिन यह फजीलत ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी की कोई अपनी तरफ से बना के वो हीन करनी शुरू कर दे किसी पैगंबर की और तो बुहारी मुसलमी है कि मुझे यूनुस पर भी फजीलत मत दो वो इस से कि किसी की तनखीस ना हो वैसे आप जरूर शान बयान करेंसुल रसूलों में एक दूसरे में फजीलत वो तो अकीदा दुरुस्त है तफरीक बइन रसुलर है दीना ये इतनी अहम आयत है हमने अपने मनहज पे लिख के पहले नंबर पे ये आयत लगाई हुई है सूर्य इमरान 85 जो कोई इस्लाम के अलावा किसी दीन का तलबगार होगा ये मैंने इसलिए लगाई थी कि इस्लाम है दीन बरेलवी दो बंदी दी सुन्नी शिया के फर्क से बाहर निकलो कबर में जाते ही वैसे यही है यही पूछा जाना है मर्रबू का मा दीनू का और मन नबीयू का और ये भी अल्फाज हैं बुखारी में माकुंत तकुलफी हक्की हाजुर रजुल इस मर्द के बारे में दुनिया में तेरा क्या अकीदा था नबी इस्लाम के बारे में पूछा जाएगा तो कब्र में पूछा जाना है अल्लाह के बारे में उसके दीन के बारे में और उसके पैगम्बर के बारे में उसके बाद तो होना चाहिए था तो किस इमाम का मुकलद है अच्छा आगे से आप कहते हैं मैं हन्फी हूं तो फिर अगला सवाल होना चाहिए था हनफी देवबंदी या हनफी बरेलवी हाँ सारे दोनों एक दूसरे को काफ्री समझते हैं जबकि इस्लाम में यह चीज नहीं सिर्फ इस्लाम है जो कोई भी इस्लाम के अलावा किसी दीन का तलबगार गार हुआ फल हो हम उससे क्यामत के दिन उसका दीन को ही नहीं करेंगे तो स्टार्ट हुआ था माकाना इब्राहिम यहूदी वाला निया इब्राहिम ना यहूदी थे ना ईसाई थे नसरानी थे वाला किन का ना हनीफ हम मुस्लिम बल्कि वह सबसे टूट के अल्लाह के हो गए थे और वह मुशरक नहीं थे और मुस्लिम थे इब्राहिम भी मुस्लिम ईसा भी मुस्लिम मूसा भी मुस्लिम तमाम पैगंबर मुस्लिम तुम भी मुस्लिम बनो अच्छा वैसे सही करते हैं कुरान डायरेक्ट पढ़ने नहीं देते कुरान को पढ़ के पूछ सकता है कि जी हमने जो नाम रखे हुए ये तो कुरान में है ही नहीं कुरान में तो है कि मुस्लिम बन जाओ रब्बानी बन जाओ इसी कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए वरना गुमराह हो जाता है जाहिर है कुरान में तो दूसरा लफ्ज ही नहीं आएगा आपका जितना एस्टैब्लिश फिरका वारियत है ना कुरान के तो करीब भी नहीं फटकती वो बंदा सोचता है कि यार इन्होंने तो क्या किया हुआ है कुरान में तो ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई है और इन्होंने बुनियादी अकायद के तौर पर हमें बताई ये चीजें तो क्यामत के दिन अल्लाह फरमाता है हम उससे उसका दीन कबूल नहीं करेंगे वह हुआ फिल आखिरत मिनल खासरीन और ऐसा शख्स आखिरत में खसारा पा जाने वालों में हो जाएगा कई फह दिल्लाफर ईमान अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हदायत दे सकता है जो ईमान के बाद को फर लिया ईमान के बाद कुफर किसने इख्तियार किया यूद ने के आने से पहले पर ईमान रखते थे वो कि वह आखिरी नबी आने वाले हैं और जब आए तो कुफर कर दिया तो अल्लाह ने फिर अब मेरी मोर लग गई है जब तुमने ये किया है ना तो अब देखो अब अल्लाह ने तुम्हें हदायत नहीं देनी व वह शाहिद रसूल हक जबकि वो पहले खुद गवाही देते थे कि ये अर रसूल आ देखे अर रसूल आ गया अर रसूल का मतलब है अब किसी खास रसूल की बात हो रही है दी प्रॉफिट हक कि ये रसूल सच्चा है वजा बगीनात व उनके पास खुली निशानियां आ चुकी थी इसके बारे में नबी इस्लाम की प्रडिक्शन पिछली किताबों में अगली किताबों के अंदर मौजूद थी अल्लाह दिल कौम वालमीन अल्लाह ताला ऐसी ज़ालिम कौम को कभी भी हदायत नहीं देता ओला जजा लो जी अब आया फतवा के बारे में सू के बारे में ऐसे लोगों का है बदला और सजाइन ऐसों पर अल्लाह की लानत अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत कौन लोग जो ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार कर ले और यह आप आज भी प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं एक मुसलमान कहता है जी, मैं कुरान को मानता हूँ आप उसे कुरान से आयत बताते हैं लिखा हुआ व वही अब पता चलेगा तू मानता है कि नहीं मानता इसके बाद बाबों को पुकारना छोड़ता है कि नहीं छोड़ता तो कुरान पे ईमान भी है साथ कुफर भी है खालीन फीहा रहेंगे हमेशा हमेश उसमें ला युफआन आजाब अल्लाह तला उनके अजाब को भी हल्का नहीं करेगा वाला ना कोई मोहलत देगा ताबू हां आज भी अगर कोई तोबा कर ले तोबा का दरवाजा खुला है जामे वह में हदीस है मौत के घरगड़े से पहले पहले तोबा कर सकते हो लेकिन वो पता तो नहीं घरगड़ा किस टाइम आ जाए किसी को नहीं पता दालिक इस जुर्म के बाद वह असलहू और अल्लाह के नजदीक तो तौबा वो है जिसमें आप इसलाह लें यह जो तोबा हम करते हैं ना ये तौबा वाली तोबा नहीं इसलाह वाली तोबा के वाकई मान लें फन अला वफ़ूर रहीम तो बेशक अल्लाह तख्शने वाला मेहरबान है इन कफर उबाद ईमान बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया ईमान लाने के बाद और उसके बाद कुफर में बढ़ते चले गए तो बढ़ते चले गए ना यहूदियों ने सिर्फ वज़ूराम का इनकार नहीं किया बल्कि इनमें से बाद लोगों ने ऊपर से ईमान कबूल करके अंदर से मुनाफिक और इस्लाम की पीठ में छुरा घोंपा यानी कुफर में बढ़ते चले गए बनु कुरैजा ने क्या किया था बदायदी तो की थी आज भी लोग कहते हैं ना जी बनु कुरैजा के साथ इस्लाम ने इतनी सजा दी क्यों दी भाई इसलिए कि जो कुछ नबी इस्लाम ने उनको उनके साथ किया बाद में यही कुछ मुसलमानों के साथ होना था जो उन्होंने बदायदी की थी मुसलमानों के साथ यही कुछ होने वाला था उसके सबब वो तो अल्लाह ने बचा लिया ना और उनकी साशियों से महफूज किया उ बातू हम अल्लाह तला ऐसों की फिर तोबा कबूल नहीं करेगा वाह मुद्द और ऐसे ही लोग हैं गुमराह तो इन लोगों की तोबा कबूल नहीं होगी जो लोग सच और हक को पहचाने के बाद भी इनकार करते ये है असल में यूनिवर्सल टूल्स ये अक्सर लोग कहते हैं ना जी इतने बड़े बड़े लोगों को बात क्यों नहीं समझ आती इसलिए कि उनको बात समझ आई थी उन्होंने हटदर्मी की अल्लाह को अल्लाह ने मोहर लगा दी खत्म क्लू बही वाइला समिम वायला अबसवार और ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा ये पारा नंबर सात जो है ना सूरतम में पारा नंबर सात की आखिरी आयात जो है ना वो यही है आयत नंबर एक सौ दस सूरतनामाम व नकलब अफ इदात व अबसारहम कमालमयिन अवलामर्रा हम इनके दिलों को हक से फेर देंगे और इनकी आंखों को जिस तरह इन्होंने पहली दफा ईमान नहीं लेकर आए जब इनके सामने हक खुल गया वह फी व नजरान और हम ऐसे लोगों को उनकी गुमराही में भटकने देंगे और क्या हाल हो जाएगा वलऊ अननामलाई का यह पारा नंबर आठ स्टार्ट इससे हो रहा है अल्लाह फरमारा जब हम गुमराह करेंगे इनकी हालत यह होगी अगर इन पे फरिश्ते भी नाजिल हों आसमान से कल्ला माह और मुर्दे कबरों से निकल के इनसे बातें करना शुरू कर दें कि भाई हमने तो आगे जाके देख लिया है पैगम्बर पर पे ईमान ले आओ इसके बाद तो ले आना चाहिए ना अल्लाह है वा कुल और हर चीज जिसका वादा इनसे दिया जाता है वो सामने नजर आ जाए यानी हर अजाब इनको दिखा दिया जाए मा कानूल मिनु फिर भी ये ईमान नहीं लेके आएंगे हाँ मगर अल्लाह अग को जबरदस्ती किसी के साथ कर दे तो कर दे अदरवाइज अल्लाह का उसूल यही है कि जो लोग हक हाँ को पहचानने के बावजूद इनकार कर देते हैं अल्लाह उनके ऊपर मोहर लगा देता है तो यहां पर भी ये बात आई है कि जो कुफर उन्होंने इख्तियार किया ईमान के बाद कुफर में बढ़ते चले गए अल्लाह ने उनकी तोबा कबूल नहीं करनी और ना अल्लाह ताला ने ऐसे गुमराह लोगों को कोई एंटरटेन करना है इन लदीन कफ़रू व मातू बेशक वो लोग जो कुफर की जिंदगी गुजारते रहे और उनको मौत आ गई कुफार इस हाल में कि वो काफिर ही रहे फलाई युक मिन आहद हिम मिल उल अर दि तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला अगर वो जमीन के बराबर सोना भी अल्लाह को फिदिये के तौर पे दे दें नहीं कबूल करेगा वदाबी मुआवजे के तौर पे वो सोना अल्लाह को पेश करें कि यह अल्लाह ये सोना ले ले और हमें छोड़ दे वैसे तो ये होना ही नहीं है ना ये भी तालीक ताली मुहाल है दुनिया में जमीन के बराबर सोना को नहीं पेश कर सकता आखिर में तो सारे कंगाल होने हैं कपड़े भी नहीं जिसम पे होने हैं अपनी जात के एवज वो इस तरह सोना भी खराद कर दे उलाम आजाबलीम तो ऐसे लोगों के लिए है दर्दनाक आजाब न और उनका वहां पर कोई मददगार नहीं होगा यानी अगर उनको क्या के दिन अल्लाह की तरफ़ से ज़मीन के बराबर सोना ऑफ़र किया जाए कि ये तुम्हारी मलकियत है तो क्या ये तुम फ़िदिये के तौर पर देने के लिए तैयार हो तो अल्लाह तुम्हारा है कि वो फ़िदिये के लिए देने के तौर पर तैयार तो हो जाएंगे लेकिन अल्लाह ताला उनसे कबूल नहीं कर, हो, करेगा अल्लाकबर अल्हुल तामिनर नामिनार अजर नामिनार

कुरान में मीठी बात भी आती है ना तो सिर्फ इसलिए कि आंदा की जो कड़वी बातें उनको हजम करो मिठे वाला कम कुरान को ही नहीं क्योंकि उससे किबला नहीं दुरुस्त होता ये देखने कितनी कितनी सख्त आयात हैं और बिल्कुल वाज अकद हैं ये आज के हमने जो चंद आयात कवर की हैं आप जरा उमत मुसलमान के अक़ायद और नज़रियात इस्टेबलिश दीन जो लोगों के अंदर है वो ज़रा इसके ऊपर पेश करें और जनाब मैं तो कह दूँ तो, पूरा कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कुरान का एक सफा भी कहीं से उठा लेना और आप अपने आप को उस पर पे पेश करें तो आपको शर्म आएगी कि जो कुरान के इन अकीदों के मुताबिक तो मेरा क़ीद ही कोई नहीं है हाँ फिर वो क्या करते हैं कि फिर कुरान का इनकार कर देते हैं उन अकीदों के लिए और वो कहते हैं नी असल में ना जो इस पर लिखा है ना जरूरी नहीं यही मतलब हो जरूरी नहीं यही मतलब हो तो फिर क्या हो कुरान इसलिए नाजल हुआ था कि ये वाला मतलब नहीं लेना आपने कहते हैं नहीं हर गल बच एक गल होती है और असल गल होती है बिल्कुल ठीक है जी हर गल बच्च एक गल होती है और असल गल होती है उदू कि जदू वो गलों जी हो यानी अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने आपके सामने जो है वो छोटे गोश्त की कढ़ाई आपके लिए पकवाई है इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता मैंने खंजीर रोस्ट करवाया हाँ ये हो सकता है कि आप कहेंगे छोटे गोश्त से मुराद ये छोटा गोश्त नहीं है ये है बड़ा गोश्त है बोटियाँ छोटी छोटी हैं चलो ये तो फिर भी समझ आ रहा है कि यार लेकिन तो फिर यही कहेंगे और, और मुफसरीन तफसरों में यही कुछ लिख के गए अल्लाह तुआ जो हक बात मैंने कही अल्लाह ते दिलों में रासिक फरमाए अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई अल्लाह तला हमारे दिलों से ही उसे महव कर दे हमें मुआफ भी फरमा दे हमें किताबो सुन्नत की तलीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तोफ़ी किताब फ़रमाए सुबह अशदुल्ला व अतूबाबलामुबी الله خيرا